नमस्कार। दिनांक 9/8/2018 को ग्राम कुनैठिया वन भल्लिया में 10 पेड़ नीम के लगाए गए। मैं इस समय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तुसौरा में खड़े हैं और इस परिसर में भी पेड़ लगाए गए। पेड़ लगाने से पहले मैं यहां के प्रधान बीएल दिवाकर जी से मिला, आप नियामत अली जी से मिला और मैंने अपनी बात रखी तो आप दोनों लोगों ने कहा आइए हम आपका सहयोग करेंगे। मैं यहां के प्रधान श्रीमान बीएल दिवाकर जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आपके ग्राम सभा में नीम के 10 पेड़ लगाए गए, आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नीम का पेड़ बहुत ही उपयोगी और अच्छा है और अब और इसमें जो है दवा के लिए भी यूजफुल है और मतलब लकड़ी और सब चीज़ के लिए यूजफुल है। धन्यवाद। इस मौके पर श्रीमान नियामत अली जी प्रत्याशी 2017 विधानसभा श्रीनगर, माननीय मीरा जी, श्रीमान जितेंद्र कुमार गुप्ता, श्रीमान अतीक अहमद, श्रीमान मोहम्मद चांद दतेली से आए हैं, श्रीमान श्याम किशोर अवस्थी जी, आप अमर उजाला पत्रकार हैं, श्रीमान संतोष कुमार जी, श्रीमान मुकुंद राम जी, श्री मुकेश जी, श्री तृप्ति जायसवाल, श्रीमती तृप्ति जायसवाल, श्री रामू सिंह, किरण देवी, श्रीमान ईश्वर चंद तिवारी जी, आप सभी लोग वृक्षारोपण में शामिल हुए, आप सभी को धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं श्रीमान नियामत अली जी से निवेदन करना चाहेंगे कि नीम के बारे में आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग आए सभी लोगों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज तुसौरा ग्राम सभा में जो नीम का पेड़ लगाया जा रहा है, हमारे माननीय प्रधान जी हैं, मतलब बीएल प्रधान जी हैं और गुप्ता जी हैं और बहुत से लोग हैं और हमारे कॉलेज के जो अध्यापक हैं वो भी हैं, मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो नीम का पेड़ लगाया गया है ये कई कामों में काम आता है, छाई के लिए भी काम आता है और कई दवाओं में काम आता है और मैं चाहता हूं कि जो पेड़ लेके आए हैं भाई साहब हमारे गोला से, उनका भी बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं और पत्रकार बंधु जो हैं उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे तुसौरा ग्राम सभा में 10 पेड़ नीम के लगाए गए हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच श्रीमान श्याम किशोर अवस्थी जी जो गोला से आए हुए हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, अमर उजाला समाचार पत्र से आए हैं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि नीम के बारे में आप थोड़ी जानकारी दें। नीम हालांकि पर्यावरण के संरक्षण में सभी पौधों का एक से बढ़कर एक योगदान है, चाहे वो पीपल का हो, चाहे बरगद का हो, आम का हो, उसमें नीम का एक विशेष महत्व है, जिसकी छाल से लेकर के पत्ती, निगौरी, यहाँ तक उसका डंठल जो होता है पत्तियों का वो भी, ये सब औषधीय पौधा है जिसका जिसके गुणों से आयुर्वेद भरा पड़ा है। चाहे शरीर में कहीं कोई चर्म रोग हो, चाहे उसके पीने से रक्त का शुद्धिकरण हो, इस तरीके तमाम सारी बीमारियों में ये औषधीय पौधा वृक्ष काम आता है। साथ साथ में पर्यावरण के रूप में, पर्यावरण के संरक्षण में नीम का वृक्ष जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जितनी जो अपशिष्ट गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या अन्य कोई गैसें जो हैं, उनको अवशोषित करने की अपूर्व क्षमता होती है इस पौधे में, तो पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण पौधा है, जिसका लक्ष्य लिया है 1000 पौधे लगाने का आदरणीय रजन अग्निहोत्री जी ने। आज के समय में सबसे ज़रूरी है कि जान जोखिम में है पर्यावरण प्रदूषण के कारण, ऐसे में पौधारोपण करना किसी यज्ञ के समान है। जिस तरीके से हम पुनीत कार्य करते हैं यज्ञ के रूप में, उसी प्रकार आज एक यज्ञ के रूप में हमें ये पौधे लगाने हैं। अगर हमें स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है, अपने पूरे जीवन को बचाना है तो पौधारोपण करना है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले दिल्ली में एक धुंध का बवंडर उठा, उसे शांत करने के लिए पागलों जैसा आदमी हवा में फुहार चला रहा था।
उसका एक कारण यही है कि हमने विकास की रफ्तार में हम ऐसे आगे बढ़ते चले गए कि हम विनाश के काफ़ी करीब पहुंच गए, और उसका एक ही कारण है कि हमने पौधों को जो हमारे जीवन का आधार हैं उन्हीं को हमने काटना शुरू कर दिया। आज आपने देखा होगा हम परिकल्पना करते हैं कि हम 4 लेन पर चलें, 6 लेन पर चलें, 8 लेन पर चलें, और एक बार में लाखों पौधे लाखों पेड़ काट करके धराशाही कर दिए जाते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि ये पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। ऐसे में ये प्रयास जो राजन अग्निहोत्री जी ने किया है कहीं ना कहीं पर एक सार्थक प्रयास है। यदि हमें इस पूरी कायनात को बचाना है, जीवन को बचाना है, तो हमें ये पौधे, इन पौधों का, वृक्षों का संरक्षण करना ही होगा। जीवन में हम चाहे कुछ भी करें, कितना भी विकास कर लें, लेकिन हम वसुधा से, इस माँ धरती से कभी हम बाहर नहीं जा सकते। इसका अगर संरक्षण करना है तभी हमारा जीवन बच पाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जितेंद्र गुप्ता जी। धन्यवाद। नीम एक पौधा ही नहीं वरन एक जड़ी बूटी के रूप में हम लोग देखते आ रहे हैं, और ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आज होम्योपैथिक दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाइयों में आज भी इसका प्रयोग होता आ रहा है। और नीम, अभी हमारे श्याम किशोर अवस्थी जी ने बताया कि नीम का एक पौधा जो है इसको पीने से कई रोग, त्वचा रोग दूर होते हैं, लेकिन मैं इनको ये भी बताना चाहता हूँ एक भयंकर बीमारी कैंसर में भी इसका उपयोग होता है। मैं मेडिकल स्टोर से हूँ, मैं थोड़ी जानकारी मुझे है, इसलिए इसको पीने से कैंसर का भी रोग थोड़ा सा दबाव में रहता है। धन्यवाद। श्रीमान संतोष मिश्रा एडवोकेट सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी। धन्यवाद बड़े भाई अग्निहोत्री जी। नीम को केवल औषधीय वृक्ष के साथ साथ हम लोग सांस्कृतिक महत्व भी देते हैं, अतः इसलिए भी यह एक महत्वपूर्ण पौधा हो जाता है। अतः इनकी मुहिम, जो इनकी पूरी टीम है, इन सबको साधुवाद देते हैं कि इस तरीके से यह अपने जनपद में जो कार्य कर रहे हैं यह शुभ कार्य है, और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से अन्य लोग भी अपना कार्य और पर्यावरण को संतुलित रखने में सहयोग देंगे। धन्यवाद। पुष्कर, श्रीमान पुष्कर तिवारी जी जो अलीगंज से आए हैं, आप एडवोकेट हैं सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी। धन्यवाद। और हम ये कहना चाहेंगे कि नीम एक बहुत ही औषधीय गुण वाला वृक्ष है, और आशा करेंगे कि आप सभी लोग सहयोग करके उसको आगे की ओर बढ़ाएं, और ये हमारा जो एक कैंपेन है इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। श्रीमान संतोष मिश्रा एडवोकेट तहसील गोला। वाकई में कार्य अच्छा कर रहे हैं राजेंद्र अग्निहोत्री द्वारा, कार्य बढ़िया हो रहा है। वृक्षारोपण तो बहुत ही ज़रूरी है, पर्यावरण को सुरक्षित करना है, इसलिए वृक्षारोपण अधिक से अधिक किया जाए, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण को मैं प्रणाम करते हुए प्रत्याशी 2017 विधानसभा श्रीनगर माननीय मीरा जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी कुछ नीम के बारे में बताएं, और हम लोग आपके यहाँ नीम के पौधे लगाने आए हैं, कुछ बताएं। वकील साहब और हमारे सभी सम्मानित साथी, ये नीम का पेड़ तो बहुत अच्छा होता है, और दवाइयों के लिए होता है अच्छा, और हर बीमारी में काम आता है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय तुसौरा के प्रधानाध्यापक माननीय किरण देवी जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी आपके परिसर में नीम के पौधे लगाएंगे। धन्यवाद, आप लोगों को कोट कोट धन्यवाद। हमारे विद्यालय के प्रांगण में अगर नीम के पेड़ लग जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नीम का पेड़ इतना सुंदर होता है, इसकी हवा से बच्चों को बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, और ये औषधीय गुण होने के साथ साथ एक दैवीय पौधा भी है, इसकी हम लोग देवी मान के भी पूजा कर सकते हैं। जड़ से तने तक पूरा पेड़ जो है, एक एक पत्ती, एक एक तना, एक एक छाल, एक एक जड़ इसके हमारे औषधीय रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं। किसी भी चर्म रोग के लिए यह बहुत ही उपयोगी है, बल्कि हमारे पूरे जीवन में ही बहुत ही उपयोगी है, पर्यावरण को बहुत ही स्वच्छ रखता है। आज ग्राम कुरोठिया और बन भल्लिया में 10 पेड़ नीम के लगाए गए। श्रीमान बीएल दिवाकर जो यहाँ के प्रधान जी हैं, श्रीमान नियामक अली, प्रत्याशी माननीय मीरा जी विधानसभा श्रीनगर क्षेत्र से जो रही हैं, आप सभी के नेतृत्व में
पौधे लगाए गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और भविष्य में भी आप लोगों से आशा करता हूँ कि इसी तरीके से आप लोग सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।